सरकारों ने अगर कोई कार्य नहीं किया सरकार तो बदलनी पड़ेगी ना, जनता भी एक विकल्प को तलाश रही है, चाहे वर्तमान की एनडीए सरकार हो या वर्तमान विधायक हो, बिहटा के प्रति जो रवैया रहा है उदासीन रहा है। तो जो मनेर विधानसभा की मूल समस्या है छात्रों की, नौजवानों की, नौजवानों की समस्या है कि बेरोजगारी, शराबी को खोजते चलेंगे और जहां अपराध होगा तो आप शराबी को ढूंढिए कि अपराधी को पकड़िए, रेप की मामला हो, छेड़खानी मोलेस्टिंग की मामला हो, और वही प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी हो। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम मनेर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मनेर जो कि हमेशा से सूफी संतों का एक घर माना जाता था, लेकिन राजनीतिक हलचल यहाँ भी तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में सभी दल जो है अपनी अपनी जो दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, लेकिन मनेर के स्थानीय लोगों का क्या मुद्दा है, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे साथ जाप के प्रवक्ता मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी देखिए, मनेर विधानसभा में जो समस्याएं हैं, एक नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याएं हैं जी। और जो वर्तमान में राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र जी, बिहटा मनेर विधानसभा का अभिन्न अंग है जी। और वोटिंग फैक्टर में भी और औद्योगिक नगरी के मामले में भी जी। जिस तरह से बिहटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है सेंट्रल लेवल पे, भारत सरकार की जो लगातार उपक्रम में आ रही है, स्थापित हो रही है बिहटा में जी। और उस समय उस विकास के कार्य में जहां एक और वर्तमान विधायक द्वारा बिहटा को उपेक्षित किया जा रहा है जी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, न्यायिक रूप से, सोशल जस्टिस की बात कर लें या अन्य जो भ्रष्टाचार की बात हो, बिहटा ब्लॉक कार्यालय से लेकर आप जो बिहटा में अतिक्रमण का समस्या हो, और अगर आप चले जाए जहाँ पदाधिकारी ब्लॉक के वीडियो सीओ बैठते हैं पोस्ट ऑफिस रोड में, जो लगातार वाटर लॉगिंग की समस्या हो, नर्क हो, स्वच्छता की बात करती है हमारी एनडीए की सरकार और भारत सरकार करके स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, तो बिहटा में आप भी सुनने में आ जाया है। जैसा कि आप हम सोशल मीडिया पर भी देखें कि आप मनेर विधानसभा में आज विभिन्न जगहों पर आप भी भ्रमण किए हैं और ग्राउंड रियलिटी को भी देखे हों, तो जितना गंदगी है, एक तो वैसे ही भ्रष्टाचार है सुशासन बाबू के राज में है। अगर आप देखते हैं कि लगातार अपराध होती है तो FIR लॉन्च नहीं होता है। बिहटा में हर दिन लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है इतनी नर्क हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मामले में कि हर दिन आए दिन आप सुनते होंगे कि बिहटा, मनेर और नौबतपुर इलाके में आपको और मतलब सप्ताह में दर्जन हत्याएं आम है आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, रेप की मामला हो, छेड़खानी मोलेस्टिंग की मामला हो, और वही प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी है। एक और जहां सुशासन बाबू कहते हैं कि हम 15 साल के विकास के नाम पे वोट लेंगे जी, और जहां शराबबंदी की बात कहते हैं, बिहार में जहां लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ से निकल चुका है, वहां जो बिहार की पुलिस है, सुशासनी पुलिस, वह शराब माफियाओं को और शराब के पीछे आदमी का मुंह सूंघने में लगा हुआ है, तो हत्यारा तो पकड़ा नहीं रहा है। जब आप 100, 200, 500 हजार रुपए के फिर में शराबी को खोजते चलेंगे जी, और जहां अपराध होगा तो आप शराबी को ढूंढिएगा कि अपराधी को पकड़िएगा, तो अपराधी को तो आप पकड़ नहीं रहे हैं, शराबबंदी तो हुआ नहीं, होम डिलीवरी हो गया है। कहने का मतलब जो हमारा राजस्व है, जो हमारा फाइनेंशियल जो अर्थव्यवस्था था बिहार का, वो तो रास्ता तल पे ला दिया शराबबंदी के बाद, क्योंकि मौखिक रूप से शराबबंदी है और मुंह से कह दे रहे हैं हमारे सुशासन बाबू हो या एनडीए की जो भी अलायंस पार्टी हो, कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, कानून का राज स्थापित है। तो बिहार में आप देख रहे हैं जिस तरह से हत्या, लूट, डकैती और अपराध के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा के मामले हो, नल के पानी से, नाली के पानी से पटना डूब जाता है। सुशील कुमार मोदी जी हाफ पैंट के मतलब पहनकर भाग लेते हैं, पड़ोसी को नहीं जाते। तो जो मनेर विधानसभा की मूल समस्या है छात्रों की, नौजवानों की, तो नौजवानों की समस्या है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी के लिए विधानसभा में एक भी दिन प्रश्न यहाँ के विधायक नहीं उठाए, और बेरोजगारी के लिए कोई उद्योग नहीं लाए, आवाज नहीं बुलंद किए भाई वीरेंद्र जी जो वर्तमान विधायक। दूसरा कि बिहटा में बहुत ही पुराना, 5-10 वर्ष से भी पुराना कॉलेज है बिहटा का, जीडे कॉलेज, तो वहाँ लगातार मांग उठता रहा है पीजी का। इस कॉलेज में पीजी नहीं, डिग्री कॉलेज है लेकिन पीजी अभी तक नहीं है, और 4 सब्जेक्ट में पूर्व में पीजी हुआ करता था जी। तो पीजी की मान्यता रद्द हो गई और लगातार आवाज उठती रही, पीजी नहीं मिला। उसके बाद बिहटा में आप देखिए नर्क बना हुआ है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। बिहटा में हमने भी मांग किया है, पूर्व में भी मांग किया था कि नगर निगम घोषित हो, विधानसभा घोषित हो, इसलिए कि बिहटा में जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट अभी वर्तमान में बिहटा के क्षेत्र में, बिहटा प्रखंड में, इसको विधानसभा बनाया जा सकता था, इसको विस्तार किया जा सकता था, इसको अनुमंडल का दर्जा दिया जा सकता है। क्योंकि देख लीजिए, आप भी बिहटा में भ्रमण करें तो आज बिहटा में जो भारत स्तर की जो चीजें हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, IIT हो, नाइलिट शोध संस्थान हो, NDRF हो, SDRF हो, रियल एस्टेट हब हो, मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसके बाद आपका नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज है,
एसडीआरएफ टाइम पे, यानी कि ऐसा चीज नहीं है जो बीटा में स्थापित नहीं हो रहा है, जो पहले से नहीं, जहाँ हर मामले में विकास हो रहा है वहाँ राजनीतिक मामले में विकास क्यों नहीं हो रहा, राजनीतिक तंत्र क्यों रच रहे हैं, चाहे वर्तमान की एनडीए सरकार हो या वर्तमान विधायक हो, बीटा के प्रति जो रवैया रहा है उदासीन रहा है। अब मनेर विधानसभा में, मनेर की जो जहाँ से विधायक जी आते हैं वर्तमान में, तो मनेर में हल्दी छपरा घाट प्रसिद्ध है और वहाँ जो है तीन नदियों का संगम, कोसी का, गंडक का और गंगा का, इतना पवित्र संगम नदी आपको शायद ही इस भारत में देखने को मिले। देखिए उज्जैन में मेला लगता है कुंभ का, और आपका हरिद्वार में, शायद हरिद्वार और उज्जैन में लगता है जी, तो प्रयागराज में जो अभी लगता है कुंभ का मेला, तो उससे जैसे कहाँ नदी का पानी, तीनों नदी का पानी गीता हमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकता है। तो जो संगम है उसको पर्यटन स्थल बनाना चाहिए था, यहाँ भी कुंभ की आप आयोजन कर सकते थे, इससे क्या होता कि रोजगार बढ़ता, मेला में लोग आते, यहाँ अगर आप पर्यटन स्थल को बढ़ावा देते, जैसे कि दरगाह है पीर अली शाह, जो भी मंदिर में आप देख रहे हैं दरगाह भी है और उसका काफी महत्व रहा, बहुत ऐतिहासिक चीज रही है। स्वामी सदानंद सरस्वती जो कि भारत के बहुत बड़े किसान नेता हुए 1934 में, जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, तब वो पटना में 1.5 लाख किसानों का हुजूम खड़ा किए थे स्वामी सदानंद सरस्वती, जिनका समाधि स्थल है, उसको आप विस्तार कर सकते थे, उसको म्यूजियम बना सकते थे, उसको पर्यटन स्थल बना सकते थे। मनेर हल्दी छपरा घाट जहाँ हर दिन सैकड़ों बॉडी चलता है, वहाँ रोड नहीं है, नर्क स्थिति है, जाम रहता है, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ आज तक सड़क नहीं बन पाया, आप मनेर को टूरिस्ट प्लेस नहीं बना पाए, वर्तमान विधायक एक भी दिन इसके लिए समस्याएं हो गई सर जी, उसका निराकरण कैसे, निराकरण कैसे? देखिये जो हमने पहले भी जो मेरी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी हैं, तो बताएं कि वर्तमान में जो 15 साल की जो सरकार से एनडीए की है, और इससे पूर्व 15 साल जो यूपीए की सरकार है, 30 वर्षों में जो जनता का विकास होना चाहिए था आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं अगर इन सरकारों ने अगर कोई कार्य नहीं किया, सरकार तो बदलनी पड़ेगी ना, जनता भी एक विकल्प को तलाश रही है, और विकल्प के रूप में जन अधिकार पार्टी को देख रही है। पप्पू यादव ही ऐसे शख्सियत हैं जो सत्ता में नहीं रहते हुए भी, बतौर सांसद रहते हुए भी भौतिक सुख संसाधन को त्याग कर, चाहे पटना में बाढ़ हो, सुखार हो, लू हो, मुजफ्फरपुर सेंटर हो, मामला हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, नियोजित हो, संविदा हो, छात्र की समस्या हो, नौजवान की समस्या हो, किसानों की समस्या, तो पप्पू यादव से पप्पू यादव देखिए पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी जो जनता को विकल्प रूप में हर विधानसभा में जनता को विकल्प देंगे, हर विधानसभा में जनता की उम्मीदों के प्रति जो नायक रहेंगे, जो जनता के लिए मरने मिटने के लिए काम करेंगे, वैसे प्रत्याशियों का चयन कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, तैयारी हो चुकी है, बूथ कमेटी विभिन्न विधानसभाओं में बन चुका है और पूरी दमखम के साथ जनता को नया विकल्प देंगे, और जनता पप्पू यादव के रूप में पप्पू यादव जी को स्थापित करने के लिए मन बना लिया है और बिहार बदलाव चाहता है, इन दोनों सरकार से अलग बिहार बदलाव के पथिक बनना चाहता है और जन अधिकार पार्टी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। चलिए, बिहार बदलाव चाहता है और मनेर विधानसभा भी जो है बदलाव चाहता है, क्योंकि इनका जो सीधे तौर पर ये सारी बातें जो कहना था, ये क्या कह रहे थे वो तो आप लगातार सुन ही रहे थे, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है कि सरकार आती जाती रह रही है, सरकार लगातार 15 साल से बनी हुई है, विकास की सरकार बनी हुई है, सुशासन की सरकार बनी हुई है, लेकिन विकास कहाँ है, ये सवाल जो है जरूरी है खड़ा करें। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है, बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे भारत लाइव, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।